रात के खाने के बर्तन साफ करते ही मैं तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। मुझे हमजा के आने से पहले ही सोना था। अगर माँ जाग रही होती तो फिर से हमजा इस काम की जिद करते जो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने शुरू किया हुआ था। अभी मैं बरामदे से गुजरने ही वाली थी कि मेरी सास की आवाज मेरे कानों में पड़ी, जो आप वाए कमरे की खिड़की से मुझे जाता देखकर अपने पास बुला रही थी। उनके बुलाते ही मैं वजह समझ गई थी और शर्म से पानी पानी हो रही थी। आखिर सुबह से मसरूफ होने का बहाना करके मैं इस चीज से तो बचना चाहती थी, क्योंकि सुबह सवेरे ही मेरी सास ने मेरे उतारे हुए कपड़े देख लिए थे और उस पर लगे निशानात ने उन्हें सोच में डाल दिया था। वरना रोजाना तो मैं सबके उठने से पहले ही उठ जाती थी और कपड़े उतार कर फौरन धो देती थी, मगर आज सुबह मेरी आंख न खुली और सास के जगाने पर जब मैं उठी तो कपड़ों को हाथ लगाया जो अभी तक गीले थे। मैंने हड़बड़ा कर उठते हुए चादर अपने गिर्द लपेट ली और ऐसे जिताने लगी जैसे बहुत सर्दी लग रही है, मगर मेरी सास की तेज नजरों से मैं बच न सकी। मैंने जैसे ही कपड़े उतार कर रखे और सर्फ लेने गई तो उन्होंने वो कपड़े देख लिए। इसके बाद मैंने सारा दिन उनका सामना करने की हिम्मत ही न की, मगर अब रात को उन्होंने बुला ही लिया था। जैसे ही मैं उनके कमरे की चौखट पर खड़ी हुई वो मुझे दरवाजा बंद करने का इशारा करने लगी। मैं दरवाजा बंद करके उनके पास गई। जैसे ही मेरी सास बोलने लगी दरवाजा बजा और हमजा की आवाज सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से दरवाजा खोला तो हमजा हमारी तरफ लपके और मुझे कमरे में आने का कहा। मैंने सास की तरफ देखा जिन्होंने मुझे जाने का इशारा किया और मैं हमजा के पीछे चल पड़ी। कमरे में पहुंचते ही हमजा ने मुझसे पूछा कि मैंने सास को सब बता दिया है या नहीं। मेरे इनकार पर उन्होंने सुख का सांस लिया और मेरे कांधों पर थपकी देने लगे। तभी वो मुश्किल घड़ी भी आ गई जो मैं दुआ किया करती थी कि रात में ना आए। हमजा ने हाथ में पकड़ी थैली से बोतल निकाली जिसमें वही काला पानी था जो वो रोज कुछ रातों से लेकर आ रहे थे। मुझे वो बोतल थमाकर उन्होंने इशारा किया जिसे मैं फौरन समझ गई। हमजा एक बारूब आदमी थे, सभी घर वाले उनसे डरते थे। वहां मेरी क्या मजाल थी कि मैं कुछ कहती। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि मैं उनके आगे आवाज तक ना निकाल पाई। मैंने वो बोतल बिस्तर की साइड पर रखी और लेट गई। कुछ देर में हमजा आए और वो काला पानी की बोतल खोलकर मेरे एक साइड पर गिराने लगे। जैसे जैसे वो काला पानी मेरे हिस्सों को छू रहा था मैं बेजारी से दांत दबोच रही थी, मगर आज अचानक से हमजा पानी डालते डालते रुक गए और गौर से बिस्तर को देखने लगे जहां पानी गिर रहा था। मेरे दिल की धड़कन में तेजी आ गई और परेशानी से मुझे पसीने आने लगे कि कहीं हमजा की नजर उस चीज पर तो नहीं पड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती हमजा ने बोतल एक तरफ फेंकी और मुझे दबोच लिया। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरा सर चकराने लग गया। लेकिन अगले ही लम्हे, मेरा नाम रुखसाना है, छोटी उम्र में ही अम्मा अब्बा के बयक वक्त फौत होने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई तायाब्बा के घर रहने लगे। जैसे जैसे होश संभाला ताई का रवैया हमारे साथ गैरों जैसा होता गया। ताया पुलिस में सिपाही थे, वो ज्यादातर बाहर ही रहा करते थे, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि हम उनके घर में किस तरह रह रहे हैं। ताई मुझसे रोज घर के काम कराती और बचा हुआ खाना हम बहन भाइयों को दे देती। मैं दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी, लेकिन यही हमारे नसीब में है, सोचकर चुप रहती। मेरा भाई इन सब बातों से बेनियाज सारा दिन बाहर गली में मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल कूद में मसरूफ रहता। ताया के चार बेटे और एक बेटी थी। जहां एक तरफ उनकी बेटी महारानियों की तरह रहती वहीं मुझसे नौकरों से भी बदतर सलूक किया जाता। इसकी वजह कोई खास भी नहीं थी, बस मेरा बचपन से ही ऐसे नक्श और सूरत होना था। क्योंकि उनकी बेटी थोड़ी पीले रंग की थी इसीलिए ताई शुरू से ही मुझसे खार खाती थी। जहां ताई की आंखों में मेरे लिए नफरत हर वक्त मौजूद रहती थी वहीं उनकी बेटी मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। माँ बाप की अदम मौजूदगी और ताई के ऐसे रवैये ने मुझे कई हकीकतों से आगाह कर दिया था। और जब ताई के दरमियानी बेटे की तवज्जो मैंने अपनी तरफ देखी तो मैंने सोच लिया कि इनसे बदला लेने का यही तरीका है। न जाने किस सोच के तहत मैं अब अलग ही रास्ते पर चल निकली थी जहां मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखती गई मेरी खूबसूरती में इजाफा होता गया जिसे देखकर ताई और उसकी बेटी अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। फिर एक दिन जब उनके बेटे ने अपनी पसंद का इजहार किया तो वो तैश में आ गई और फिर आओ देखा नताओ मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैं उनके बेटे को फंसा रही हूं। वो पहली बार था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था और मेरे जख्म इतने ज्यादा थे कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। अगले दिन अचानक ताया अब्बा घर आकर मेरी हालत देखकर मुझसे पूछने लगे, मगर मैं खामोश रही क्योंकि मैं उनके गुस्से से वाकिफ थी।
चाहे मैं जितनी भी ताई के खिलाफ थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनके घर का माहौल खराब हो। मगर मेरा छोटा भाई, जो इस वाकये के बाद काफी सहमा हुआ था, उसने ताई अब्बा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उन्होंने ताई की खूब खबर ली कि यतीम बच्चों पर ऐसा जुल्म कर रही हो। न जाने कैसे भाई की इतनी मोहब्बत इतने सालों बाद उनके दिल में जाग गई थी कि मेरे लिए वो अपनी बीवी के सामने खड़े हो गए। ताई अब्बा ने उन्हें खूब मारा और घर से निकलने का कहा, मगर फिर बच्चों के समझाने बुझाने पर मामला ठंडे हो गए। इन सब में चूंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी सब मेरे खिलाफ हो गए। ताई, जिनकी इज्जत नफ्स पर बात आ गई थी, वो मुझसे पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोचने लगी और आखिर उन्हें रास्ता मिल ही गया जब एक जानने वाली ने उन्हें मेरी शादी करा देने का मशवरा दिया। बस उसके बाद तो वो इस मुहिम पर जुट गई। मेरे लिए कई रिश्ते आते थे, मगर वो हर किसी को इनकार किया करती थी। लेकिन एक रिश्ता आया जिसके आते ही ताई ने खुशी खुशी मेरे लिए हाँ कर दी। मैं उनकी इतनी खुशी देखकर थोड़ी सी ठिठक गई कि वो इतनी खुशी से मेरे लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर सकती हैं। मगर जिस जोश से उन्होंने शादी की तैयारी पकड़ी और मुझे रुख्सत करने की ठान ली, मैं सब गिले शिकवे भुलाकर उनका एहतराम करने लगी। उनका रवैया भी मेरे साथ काफी बेहतर हो गया था। मुझे रुख्सत करने के बाद मेरे भाई को खाला के पास कराची भेज दिया गया और मुझे रुख्सत करके बख्खर भेज दिया गया। इस तरह जहां हम बहन भाई एक दूसरे से दूर रहने लगे, वहीं मेरी जिंदगी में कई नई तब्दीलियां आ गईं। शादी के वक्त मेरी उम्र लगभग 18-19 बरस की थी और मेरी खूबसूरती की बदौलत मुझे मेरे ससुराल में काफी प्रोटोकॉल मिला। मेरे शोहर का नाम हमजा था, जिन्होंने शादी के पहले दिन ही खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर कर लिया था। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, मेरे नई नवेली दुल्हन वाले सारे अरमान पूरे करने दिए गए। हमजा और मेरा रिश्ता काफी मजबूत हो गया था, मगर कुछ ही अरसे के बाद मुझे हमजा में अजीब किस्म का बदलाव नजर आया, जिसका बातों बातों में मैंने अपनी सास से जिक्र किया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। हमजा अक्सर रात को बाहर चले जाते और फिर वापस ही ना आते। एक दिन मैं उनके पीछे गई तो देखा कि वो मेरी सास के कमरे के करीब स्टोर में चले गए हैं। मैं सेहन में बने वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुप गई और सुराखों से स्टोर के दरवाजे पर नजर रखने लगी, मगर काफी देर गुजर जाने के बाद भी हमजा वहां से वापस ना आए। चूंकि ठंड बहुत थी तो मैं जाके दोबारा लेट गई। मेरे कमरे में जाने के 10 मिनट बाद हमजा वापस आ गए और लेट गए। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने स्टोर का रुख किया और किसी के उठने से पहले ही सारे स्टोर की अच्छे से तलाशी ली, मगर मुझे वहां कुछ ऐसा ना मिला जिसकी वजह से हमजा आधी रात को उधर आते थे। मगर बात सिर्फ यहीं तक ना रुकी, मेरे और हमजा के दरमियान वाज़ेह इख्तलाफात शुरू हो गए। मैं उन पर शक करती, मगर एक दिन मैंने उनका इतना डरावना रूप देखा कि उसके बाद मेरी तो हिम्मत ही ना हुई कि उनके सामने कुछ कहूं। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो किसी सूरत भी जबान दराजी पसंद नहीं करते, मगर उनकी वो बात तब मैंने सुनी अनसुनी कर दी। अब चूंकि साथ रहते इतना वक्त हो गया था और उनकी मशकूक हरकतों में मैं काफी तंग थी, तो मैं उन्हें रोक टोक करने लगी और दो टोक जवाब देने लगी। इसी दौरान एक दिन वो रात को घर लेट आए, मगर वो खाली हाथ नहीं थे। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें उन्होंने एक बोतल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई, जिसमें काले रंग का पानी था। पानी मेरी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, उन्होंने वो काले रंग का पानी मुझ पर यूं डालना शुरू कर दिया जिसमें से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, और चूंकि सर्दियां थी, मगर हमजा बिना इस बात का लिहाज किए वो पानी मुझ पर उंडेलते रहे। बोतल का सारा पानी खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब बिना आवाज निकाले सो जाना। मैंने पहले तो मना किया, मगर उनके गुस्से से सुर्ख आंखों को देखकर मैं खामोश रह गई। सारी रात मैं ठंड से कांपती रही और बदबू से मुझे उलझन होती रही। अगली सुबह उठते ही मैं नहाकर कपड़े धोकर लटका आई, मगर हमजा ने यह रोज का मामूल बना लिया था। वो रोज उस काले पानी से बिस्तर गीला कर देते और मुझे उस पर सोने को कहते, और इस दौरान वो मुझे बिल्कुल खामोश रहने की तलकीन करते। मगर उस दिन जब वो ये करने लगे तो उनकी नजर प्लास्टिक शीट पर पड़ गई जो मैंने उनके आने से पहले ही बिछाई थी, ताकि पानी से बिस्तर ज्यादा गीला ना हो और मैं सुकून से रात भर सो सकूं। पिछले 2 दिनों से मैं यही कर रही थी। बिस्तर की चादर के नीचे वो शीट बिछा देती और हमजा के सोते ही वो निकाल देती, जिससे बिस्तर कम गीला रहता और मैं सो पाती। मगर हमजा को जब मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे झिंझोड़ा और फिर सर पकड़ गए। हमजा कमरे के कोने में बैठे खुद को थप्पड़ लगाने लगे और रोने लगे। मुझे कुछ समझ में ना आया कि क्या हुआ है। हमजा का ऐसा रूप मैं पहली बार देख रही थी। मैं जाकर अपनी सास के पास गई, उन्हें हकीकत से आगाह किया। थोड़ी ही देर में सारे वहां मौजूद थे और हमजा को
नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरान और परेशान खड़ी सारा मंजर देख रही थी। मेरे जेठ ने हमजा को कोई दवाई देकर सुला दिया। फिर सबकी तवज्जो का मरकज मैं बन गई। मैंने आनन फानन सारा वाकया बता दिया, मगर उसके अगले ही लम्हे वो इंकशाफ दिल दहला देने वाला था। हमजा को दिमागी मसाइल थे, पर यह बात मुझसे सबने छुपाए रखी थी, और वक्त के साथ साथ उनके मसाइल इतने बढ़ गए थे कि कभी कभी वो अजीब हरकतें करते थे, और वो हरकतें कैसी थी ये मैं देख चुकी थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने अरसे से एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ जो मुझे किसी भी वक्त कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा दिमाग सुन हो चुका था। आखिर मुझे इस बात से कैसे लाइल रखा गया था, मगर अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि क्यों ताई अम्मा इतनी खुश थी। उन्हें सारी हकीकत मालूम थी और मुझे इस जहन्नुम में उन्होंने इसी लिए डाला था। खैर, मेरी हालत देखकर सबने मुझे समझाया और हमजा के इलाज का भी कहा। मैं मरती क्या ना करती, वापस जाने के तो सारे रास्ते ही बंद थे। सब्र करके मुझे अब ऐसे नसीब में लिखा को ही निभाना था। मेरे और हमजा के दरमियान मामलात वैसे ही थे, मगर अब मैं काफी मोहतात हो गई थी। हमजा की हालत भी जान गई, जिसकी वजह से उनके घर वालों के साथ साथ मुझे भी उनकी इस हालत के साथ रहने की आदत हो गई। अब मैं उम्मीद से हूं और सारी एहतियाती तदाबीर ला रही हूं ताकि हमजा के मसाइल की वजह से हमारे बच्चे की सेहत मुतासर ना हो। बस अल्लाह के भरोसे अपनी जिंदगी बेहतर करने की हमातन कोशिश में दिन रात गुजर रहे हैं।